अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे करेले की भुजिया। तो करेले को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, इसको अच्छे से कहते धो लिया है, इसमें नमक लगा के रख दिया है। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और 2 टमाटर हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और करेले को इसके अंदर ऐड कर दिया है। करेले को हमको फ्राई कर लेना है अच्छे से, इससे इसका कड़वापन दूर हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल हमें चाहिए। तो बचे हुए करेले को मैंने फिर से इसके अंदर डाल दिया है और करेला हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसे आप सब्जी को सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसको आप ले जाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके अंदर हमने प्याज कहते हैं कि डाल दिया है, प्याज को भी हमको हल्का ब्राउन कर लेना है। तो प्याज को अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम मंगरेल का दाना ऐड करेंगे और इसको हल्का सा छिड़क जाने के बाद, प्याज हल्की सी मेरी पिंकेज हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर टमाटर फाइन चॉप किए हुए ऐड कर दिए हैं। इसे टमाटर को और प्याज को टेंडर होने तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्ट और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसको कवर करके हम 10 से मिनट पका लेंगे कि टमाटर हमारा टेंडर हो जाए। 10 के बाद हम इसके अंदर करेला ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चुटकी करीब हमने हल्दी भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो ये देखिए टमाटर हमारे मैश हो चुके थे तो हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दिए हैं। और करेले को हम तकरीबन पकाएंगे 1 घंटे लो फ्लेम पे कि ताकि खूब अच्छे सा भुजिया हमारी बनकर तैयार हो, टेंडर होकर। तो आप इसे सफ़र पे ले जा सकते हैं। आप इसे 1 हफ्ते तक बिना फ्रिज के रखेंगे तो आपका ये करेला ख़राब नहीं होगा। तो तैयार है हमारी करेले की भुजिया बनकर, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। आप इसे रोटी और पराठे के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ दुआ।